के नाम में आप सबको सलाम यीशु मसीह के नाम में। और अपने पर आज खुदा उनके खादम भाई निजार हमारे साथ हैं, सो उन्हें भी वेलकम करते हैं। आज के बाद जैसे दाऊद पर खुदावंद का रूह जोर से नाजिल होता, उन पर भी नाजिल हो। क्योंकि जब भाई इरफान बेंजामिन प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं बड़े खुश हो रहा था कि खुदावंद ने एक और प्रस्ताव दे दिया। और इसी तरह खुदा के खातिर भाई सफर है जिन पर खुदावंद का मसा है। और एक और नौजवान हमारे दरमियान है जो आज ड्रम प्ले करेंगे, लेकिन वो भी खुदा के प्रस्ताव के बेटे हैं भाई, मेरे खाते के ये फर्जंद हैं और खुदा की प्रस्तुति का मसा इन पर भी है। भाई नोएल वेल, आप भी आप तीनों यार सामने आ जाए। ये मैं रूम कुछ की रात भाई में कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि कभी इबादत शुरू प्रस्तुति हुई भी नहीं है अभी और हम किसी के लिए दुआ शुरू करें। खुदा की पाक मर्जी है कि हम आपके लिए दुआ करें। इसके साथ साथ और भी वो लोग जो चर्च में वर्शिप में लीड करते हैं या क्वायर में हैं, वो भी खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर। अगर आप क्वायर में भी हैं तो आप खड़े हो सकते हैं। सब पे हाथ रखना मुमकिन नहीं, लेकिन हम इसी चंद लम्हे में आपके लिए भी दुआ करेंगे। और अगर हम इन पे हाथ रख रहे हैं तो हम ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे खुद जरूरत है कि खुदावंद मुझ पर अपना हाथ रखे, क्योंकि हर रोज एक नए मसा की जरूरत है। भाई जो कीबोर्ड पर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हालेलुया का कोर्स जो है वो बजाना शुरू करें। आप सब रूम में दुआ करना शुरू करें, नए जुबानों में दुआ करना शुरू करें। हम अपने आप को खुदावंद के आगे आजिज करें। हम ऐसे करें जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। हम खुदावंद को शो करें अपनी हम्बलनेस। हम खुदावंद को शो करें कि खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, मैं कुछ नहीं हूं तेरे बगैर। जो लोग बैठे हुए हैं आप भी बच्चे भी दुआ करना शुरू करें। बच्चों को भी खुदावंद अपना होली स्पिरिट देना चाहता है, पाक रूह देना चाहता है। बस आप दुआ करते हैं फिर नहीं आएगा, ये मोमेंट्स फिर नहीं आएंगे। खुदावंद का हाथ, सख्ती हाथ मैं आप पर बड़ा हुआ देखता हूं। वो सख्ती हाथ जिसमें आपकी मोहब्बत
वो के लिए भी कि मसीह वाकई शरीर पर मरा है सबके गुनाहों के लिए। इसलिए उनके जो बात मसीह ने शरीर पर पहनी हुई थी बाद में वो 1000 साल पहले ही दाऊद नबी के जरिए मसीह की रूह ने लिखवा दी। दाऊद बयान तो अपने दुखों का करना चाहता था मगर जब रूह में आया तो वो मसीह के दुखों का बयान करने लगा और उसने ये ज़बूर शुरू यहां से किया। वो लिखता है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर 22 में हैरान को तौर पर वो बताता है वो कहता है कि वो मेरी को शाम को आपस में पुरा डाल के बांटते हैं और वो ये भी कहता है मसीह उसके से होकर बोल रही है। वो लिखता है वो मेरे हाथों और पैरों में भीड़ होंगे मुझे बसंत के जोरावर सांडों से एक शख्स ने मुझे जब अपनी तकलीफ की तो जब मैंने उसे ये बताया कि ज़बूर की किताब तो इल्हामी किताब है और वो तो बता रही है कि मसीह सारी दुनिया का निजात देता है।
उसको देंगे। ये रात के शायद 2 बजे से भी ज्यादा लगे। जब शागिर्दों को नींद आई थी तो खुदा उस वक्त भी याद रहा, लेकिन उसके बाद 3 दांतों में 4 बार, 3 दांतों में 1 दांत में 2 बार और बाकी 2 दांतों कुल 4 दफा वो अदालत में पेश हुआ। और लेकिन जब सरदार अहम की अदालत में फतवा लगा कर उसको लगाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ साबित ना हुआ तो फिलहाल उसकी अदालत में उसको भेजा गया। मगर पूरे मानने से पहले उसको रूमी फौजियों के हवाले कर दिया गया कि जो तुम करना चाहते हो मुजरिम के साथ करो। और सारी रात वो उसे घेरे रहे और उसका तमस्सर रखे और उसे थप्पड़ मार के रुकते रहे कि बता तुझे किसने मारा है। ये सब कुछ किससे हुआ? अभी जो आप गा रहे हैं कि मेरे खुदा है मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया, ये इस सवाल का जवाब क्या है? इसका जवाब ये है वो इसके छोड़ा गया ताकि मेरी है मेरे भाई तू और मैं सुबह को मिला है। आपने खुदावंद को अपनी जिंदगी के कई हिस्सों में अभी तक बाहर ही खड़ा किया, मैंने भी, मगर आज वो अपने जख्म दिखा दिखा कर ये कह रहा है मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। वो प्यार से बुलाता है, उसकी आवाज में प्यार है। तेरा नाम मेरे तुझे यीशु बुलाना, यीशु बुलाना, यीशु बुलाना, तेरा नाम ले तुझे यीशु बुलाना,
आप वाले हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं और अंदर आपका बेटा है या बेटी है, वो नहीं खोल रही दरवाजा, जिससे आपने प्यार किया सबसे ज्यादा वो दरवाजा नहीं खोल रही। सुनिए इस गजल के अल्फाज को, खुदावंद आपसे क्या कह रहे हैं। जाने पर कर्ज भारी जाने दे पर
आंखें बंद करते हैं। Thank you.
उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी माइंड क्या है, वो क्या कुछ करने की कुदरत रखता है। तू जो चाहे तो समंदर को किनारा कर दे, हाँ।
Amen.
को अपने हल्की आके दूरी से तो बातें मिलाए लेकर आएंगे तो हल्दी अपने वाले तैयार है जरूर खुदा के लोगों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसी कमी को नहीं छोड़ा आप याद रखिए जब आप हल्की खुदा को सुन पाते हैं हालेलुया Thank you.
मैं कदों कह रहा तुम उन्हें प्यार नहीं करते मुहब्बत करते हो पर बुढ़िया मुहब्बत अज खुदा दसू चाहता असं कूड़िया मुहब्बत चले जाए यही वो मर्जी हुआ और मौके पर जब वो रस्म
अदा की जा रही थी, उनको बताने के लिए ये जो तुम कर रहे हो फिकर के मुआफिक ये मुझे जाहिर करता है। उसने वहां ये बात की कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, शर्त यही है उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है कुछ भी हादसाती तौर पर नहीं, पहले से प्लैंड है, किताब मुकद्दस में पहले से लिख दिया गया, उसका उसका आना लिख दिया गया, उसका जीना लिख दिया गया, उसके मौजज़ात जो वो करेगा लिख दिए गए, उसका सलीब पर मरना लिख दिया गया, मैंने पहले बताया आपको, उसका सलीब पर प्यासा होकर पानी मांगना और उससे सिरका मिलना ये भी लिख दिया गया था ज़बूर 69 में। और पहले बता दिया कि ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा कहना, और ज़बूर 31 में जो हम गाते हैं ये कहना, सौंपता हाँ तू अपने तहनों ऐ सच्चाई ते खुदा मेरी आस है तेरे होते, वो भी सातवां कलमा है, पहले से लिख दिया गया। और अब वो कह रहा है किताब मुकद्दस में ये भी आया है कि जिंदगी की पानी की नदियां भी मैंने जारी कर दी, उस सलीब पर हुआ भी किताब मुकद्दस के मुताबिक, वो दफन भी किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, कोई डिनाय नहीं कर सकता कि ये नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही लिखा हुआ है उन नबियों की मार्फत जिन्हें दूसरे भी मानते, लिखा हुआ है, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि पहले ही एक्सपेक्टेड था, पहले ही पता था, ये कह दिया गया था कि वो आएगा और नजात का काम करेगा और जिंदगी के पानी की नदियां जारी करेगा। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो कह रहे हैं अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए तो मैं उसके अंदर से जैसा किताब मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर दूंगा। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही कि कहीं किसी को उभाम ना रहे कि ऐ नदियां कहते हैं अभी ये तैयार कोई बहस हो गए नहीं जी असल से ऐ नदियां वो ने जी कश्मीर च बग रही ने नहीं जी ऐ फ्रांस च ने, ताकि किसी को कोई शक ना रहे, साथ बता भी दिया कि ये कौन सी नदियां हैं। लिखा है उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, जो उस पर ईमान लाते हैं उनका हक है कि वो रूह कुछ पाए, उनका ये फ्री गिफ्ट है। ऐसा कि जब बर्थडे होती है बच्चों, इस महीने किसकी बर्थडे थी, हाथ दिखाए कोई बच्चा, हाँ ठीक है अच्छी बात है थी, वेरी गुड वेरी गुड है, जब बर्थडे होती है तो गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, वो वैसे ही मिल जाता है, इसलिए तो खुशी हो गई होती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बाजार भी नहीं जाना पड़ा, पैसे भी नहीं खर्चने पड़े, जनाब फर्स्ट क्लास गिफ्ट मिल गया। यही तो साइकिल मैं अम्मी को कह रहा था, वो मुझे 2 साल से नहीं लेके दे रही थी, अब देखो मेरी बर्थडे हुई है तो वैसे ही घर आ गई है, मेरे चाचू ले आए हैं, मेरे मामू ले आए हैं, बड़ा खुशी होती है जब कोई फ्री गिफ्ट मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। हम वो थे जो खुदा की हजूरी से थोड़े दूर नहीं थे, बहुत ही ज्यादा दूर चले गए। सिंबॉलिकली खुदा की हैंकल में पर्दा लगा हुआ था जिसके अंदर खुदा की खास हजूरी थी, तो उससे अंदर कोई भी नहीं जा सकता, एक बंदा सरदार कायम साल में एक दफा जा सकता था खुदा की खास हजूरी में, और उससे बाहर यहूदियों का इलाका था जिसमें वो जा सकते थे, और बहुत बाहर गैर कौमों का इलाका था, सोचें आप इतने दूर थे खुदा की हजूरी से। और अब खाली ये मुमकिन नहीं हो गया कि हम उस खून की वजह से उसकी हजूरी में आ गए हैं, बल्कि अब ये मुमकिन हो गया कि वो हजूरी हम में आ जाए। ये तो योएल से ही कह दिया था खुदावंद ने कि मैं आखिर जमाने में, उस वक्त शायद योहन्ना बाद की ये मीटिंग भी नजर आ रही होगी योएल को, और क्या पता मैं कहते नहीं रहते उन्होंने नजर आ रही, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते तो हमको ही पता होगी नजर आ रही। लेकिन एक बात
वो देख रहा था कि हर बंदे पर एक पागलू नाजिल हो रहा है, और ये बात उस वक्त उस दौर में अजीब थी क्योंकि वो फजल का दौर नहीं था। तब एक प्रॉफिट होता था जिस पर खुदा का रूह आता था, काम लेता था और जुदा हो जाता था, क्योंकि इंसान अभी वो बर्तन नहीं बना था जिसके अंदर खुदा की हुजूरी उस तौर पर समा सके। क्योंकि ये सिर्फ खुदा का फजल ही कर सकता है कि हम में खुदा की हुजूरी समा सके, और वो फजल उस लहू का नाम है जो सलीब से जारी है। दुनिया के पास शरीयत तो है और शरीयत अच्छी है, मगर शरीयत कमजोर है। वो अच्छे बुरे की पहचान ही बता सकती है, मगर जो लेवल से गिरे हुए वो सही लेवल बता सकती है, ये है सही लेवल सी, उसी इस लेवल पे होते सही लेवल है सी। शरीयत सिर्फ बता सकती है कि सही लेवल की है, पर उस लेवल तक ले आ नहीं सकती। ये काम खुदा का फजल ही कर सकता। जब हम ठंडे पड़ने लगते हैं वो हमें गर्माइश देता है, जब हम ज्यादा ही अकड़ने लगते हैं तो वो हमें थोड़ा सा ठंडा करता है, ठंडा होता है, वो हमें सस्टेन करता है, वो हमें भटकने नहीं देता। हम कई बार जंजीरें तोड़ के खुदा की हुजूरी से भागे हैं, वो फिर हमें अपने हुजूर में ले आया। हम यहां इसलिए नहीं बैठे हुए कायम दायम कि हम बड़े वफादार थे, हम यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो वफादार है। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आइए सब खुदा की हुजूरी में खड़े होंगे। मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि अगले 10-15 मिनट के लिए जाना नहीं है आपने, आप सबके लिए दुआ करना चाहते हैं प्रस्तुति के साथ साथ। बच्चों आप सारे आगे आ जाओ, पीछे तो जा रहे इधर ही लोग उधर से भी सारे बच्चों को आगे बैठे, और इनके पास एक दो बहन और एक ऐसा भाई जिसे ये डरे नहीं छोटों की बात कर, वो भी खड़ा हो ताकि ये खड़े रह जाए। बातें नहीं करनी बच्चों, खुदा की प्रेजेंस है यहाँ पर।
मजदूरी की हवा है, उसकी प्रेजेंस की अनसीन हवा है जो यहाँ पे चल रही है, वो आपके अंदर से जब गुजरेगी तो आपको रूहानी ठंडक मिलेगी, आपका रूहानी उसी का साफ होगा, आप रूहानी ताजगी पाएंगे। I'm not afraid to die.
कर देंगे, ईमान का कदम उठाएंगे अभी हम। और वो ये है, जैसे पतरस ने ईमान का कदम उठाया, खड़ा नहीं रहा कश्ती में, उसने पानी पर पांव रख दिया, ये रिस्क लिया उसने। हम खुदा के पूरे को काम कर देंगे, खुदा जरूर चाहता है कि हम ईमान का कदम उठाएं और गैर जुबान में दुआ करें। कुत वो बख्शेगा, मगर आप जब इस जुबान को खोल रहे हैं और गैर जुबान में दुआ करें, उर्दू में नहीं पंजाबी में नहीं, आपके ईमान से असर कर रहा है वो होता जाएगा। जैसे कि अल्फाज पाकों की कुत से जारी होगी, बच्चों आप इधर देखें, जब अभी मैं कहूंगा आए हम गैर जुबान में दुआ करें, तो आपने सोचना आप अकेले खड़े हो और जीसस, ठीक है, आपने सोचना ही नहीं कोई और है कि हाँ कोई दुआ ही कर रहा है, ठीक है, और आपने ईमान से होली स्पिरिट में दुआ करना शुरू कर, अजीब अल्फाज वो आपको मिलेंगे, आपने बोलने, आर यू रेडी, जैसे भी अल्फाज पाखू की कुत से आप निकलेंगे, आपने बोलने, ये बच्चे की माँ ने फर्क कर हमें करना के बनते हैं और हाथ उठाए और के खुदाओं जैसा कर देते हैं,
भी दुआ होगी। मैं बहुत कमजोरी की हालत में इसको ध्यान खड़ा हूँ, मैं 3 दिन से बीमार हूँ, फिर भी मैं खुदा की दूरी में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि खुदा सब कुछ करने पर ला दे, लेकिन आप मुझ पर लगाना लगाएंगे मैं आप पे हाथ रखूंगा ही कुछ पा मिलेगी। तो वहां ये सुनी थी और कईयों को मिल भी चुकी है, अभी पहले ही मिल चुकी है। खात्मों पर निगाह ना लगाए, निगाह यीशु पर ही रखें। खात्मों की सिर्फ रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनकी पूजा या उनकी उम्मीदी ना करें, नजरें यीशु पर ही लगाएं। वही खादम अच्छा है जो आपकी नजर यीशु पर लगाता है। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी तुझे हुक्म देता हूं, हर बदन से चली जा, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे और लोग आए आप शुक्र करें अपने हाथ पर। Yeah.
ही बैठे जाने। कल बाद में फोन पड़ाएगा वो किसके लिए? कल होंगे और नाटक सब फालतू के लिए ताली भी बजाइए। अच्छा कल भी आबादत होगी, कल 9 तारीख है और असम जो ब्रॉडकास्टर्स का आपको पता होगा स्विच ड्राफ एंट्री, जहाँ पर पुराना नाम जो है यहाँ से आप बिल्कुल सीधे आप जाएँ जो असम जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो वहाँ पर कल खुदा के साथ हम पास्टर रोजर बैठी खुदा की वर्षी भी करेंगे और खुदा का नाम भी सुनाएंगे और इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो क्योंकि ये वहां क्लीसिया 8:30 पहुंच जाती है। हाँ जी सुबह तो 8:30 जो है वो हमने टाइम रखा है, तो आ सकता हूँ भी आप आ सकते हैं संडे के बाद। थैंक यू। आप लोग कुछ महसूस कर रहे अपने जीवन के अंदर? ये यीशु की हुजूरी है, वो दिया गया है। आपने सिर्फ बढ़ने दें, आपने घर भी जाके दुआ में ठहरे, फजूल किस्म की नेगेटिव बातें ऐप जो या इस तरह की चीजें ना करें। खुदावन आपके अंदर कसरत सबसे जरूरी है, इसको बढ़ने दें, आप पे बढ़ना चाहती है। आप खुदा के हुजूर और बच्चों से पूछें क्या हुआ आपकी लाइफ में, तो वो बताएं और उनके साथ, क्योंकि वो खुद तो नहीं दुआ में बैठेंगे, बच्चे हम खुद खेलते रहते थे। जिस दिन मुझे भी खुदा की हुजूरी का तजर्बा हुआ था तो मुझे भी गाइड साथ साथ करने वाले भी थे, इनको गाइड करें, इनको बताएं कि वो क्या है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने अभी वो चीज एक्सपीरियंस कर ली है जो सब सारी जिंदगी में याद रहेगी और ये कभी खुदाओं को नहीं छोड़ेगा। इनको पता चल गया है कि वो जिंदा खुदा है, इन्होंने अपनी से उसकी प्रेजेंस का एक्सपीरियंस किया है। पहले बड़ा अच्छा एक दौर था जब खुदा की हुजूरी में जब इबादत का मजा आता था तो खुदावन की वजह से लोग आते थे, अब बसों की वजह से। जब आपको आज मजा आया है तो कल भी इस चीज को एक वेव बनाकर चले कि 2-3 दिन मिले हैं, एक खाना खुदावन ने भेजा है माड़ा सा, चलो इधर नाल ही गुजारा करते हैं, 2-3 दिन खुदावन के नाल गुजारते हैं। अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालना पड़ता है मेरे भाइयों, जो काम इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि गला तेरे नाल करा गुड़िया मोहब्बत करा खुदावन के प्यार में। कह रहे हो कि हम ऐसे भागे फिर रहे नहीं है कि कोई शायद पैसे मिलते हैं या कोई मशहूरी के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फिक्र है कि उसने हमारी ड्यूटी लगाई है और हमें ये काम करना है और सब खादम भी ऐसे ही है। इसलिए अगले गीत का इंतजार ना करो और कल सुनो अपना गीत, ठीक है? ठीक हो गया। और अब हम खादम के साथ आगे बढ़ेंगे, लोग वाइंड अप की तरफ जैसे भी है। खुदा करते हैं खुदा की हजूरी के लिए, खुदा का बंदा के लिए, और एक मतलब फिर हम तालियां बजाएंगे अपने लिए। आप लोग
बहुत शुक्रिया आप लोग आए हैं, जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। हालेलुया, स्टेज से तालियां बजाएं इन सब लोगों के लिए।